संबंधा था। दो पक्षों में हुई मारपीट, एक पक्ष हुआ पांच फायर। प्रतापगढ़ के कोतावली मंदाता के ग्राम खेमा में दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और कुल्हाड़ी, काफी गंभीर रूप से घायल, मंदाता अस्पताल से हुए रेफर। देखते हैं संवाददाता गुलाबचंद की रिपोर्ट। जरा बताइए, अभी आप ढेमा में हैं, झगड़ा किसका किसका हुआ, किस कारण झगड़ा हुआ? कोई कारण नहीं हुआ, बस गुंडाई के वजह से हुआ। कौन सा गुंडा? नहीं, क्या गुंडाई की है, क्या कैसा? हमारे घर जो ना है, हमारे भाभी के लड़का जो ना है, उनका रहे संडास और ये साउथ, और संडास का रहे, क्या नाम था उनका? साउथ गए सहनवाज। अच्छा, तो जो ना संडास का रहे, तो यहाँ से जो ना है दो तीन लोग गए लड़ाई करे बुथामा, तो हमारे जो ना ससुर जी फरुही कत रहे, लौटा रहे हैं, सज्जाद गए हैं और गए हैं महफूज, और एक जो ना है लड़का के गा है, तो सज्जाद रिजवान जो ना है वो। तो मारपीट कहाँ हुई? मारपीट वहीं जो ना है का हुई का नहीं, जो ना है यहाँ आकर जो ना है मुन्नु के द्वारे पे लड़ाई हुई। अच्छा, तो लाठी डंडा से मारपीट हुई? हाँ, लाठी डंडा सब ले गए सब। हमें जो कैसे क्या हुआ है अभी ढेमा में महफूज मारपीट हुआ? वहीं से आरिफ साउस सहनवाज मुन्नन ये लोग खदेड़ लिए, फिर कहीं से जुबेर और नियाज आए, वो लोग सब खेत के आए, यहीं पे गिरा के मारने लगे और गोली मारे। तीन फायर वहाँ किए हैं और दो फायर यहाँ किए हैं। तीन फायर वहाँ किए, दो फायर यहाँ किए, दो फायर यहाँ किए हैं। हाथ यानी हाथ टूट गया है मैं हमारे, और जो हमारे मामा गोड़ और सब तोड़ी आए हैं, महफूज की गोली मारे हैं। क्या तुम यहाँ मौजूद थी? हाँ, हम मौजूद रहे साहेब। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम साहिस्ता बानो। कौन हो तुम, इनकी कौन हो? हम इनका भाई ने महफूज, उनका कबीर के भाई नहीं, महफूज हमारा भाई लागत, मामा का बेटवा है। अच्छा, तो कुल कितना फायर हुआ? पांच फायर। पांच फायर हुआ। हाँ। कौन मारा? पांच सहनवाज और साउद रहन है और जुबेर, तीन आदमी मौजूद रहे, फायर मारा। कहाँ घर है? घर एक वह घर उनके जुबेर को बहु अट है और साउथ के पीछे है, सहनवाज के एक घर हिया है, एक घर पीछे कहते हैं। ढेमक रहने वाली? हाँ, हो ढेमक। धन्यवाद।